हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक सीक्वेंस वर्क वाली हेवी साड़ी से बिना बॉर्डर्स कट किए किस तरह से हम एक सर्कुलर प्लाजो पैंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साड़ी का स्कर्ट पार्ट है। तो साड़ी के स्कर्ट पार्ट में ऊपर की तरफ बिल्कुल प्लेन कपड़ा है और नीचे की तरफ सीक्वेंस वर्क दिया है इस तरह से, और नीचे की तरफ बॉर्डर्स भी लगे हैं, वो भी सीक्वेंस वर्क वाले। अब मैं सिर्फ साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट है उतना पोर्शन में कट करूंगी। तो ये इस साड़ी में लगभग 2 मीटर तक का स्कर्ट पार्ट दिया है, जहां पर नीचे की तरफ वर्क है और ऊपर की तरफ प्लेन कपड़ा है। तो इस पल्लू पार्ट को मैंने कट करके सेपरेटली अलग से रखूंगी, क्योंकि इसमें से हम पेपलम कुर्ती बनाने वाले हैं। तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मैंने पोस्ट किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जैसे मैंने बताया, ये लगभग 2 मीटर का कपड़ा है, जहाँ पर नीचे की तरफ बॉर्डर्स आते हैं और उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क आता है और ऊपर की तरफ बिल्कुल प्लेन कपड़ा आता है। तो इसे मैं विड्थ वाइज 4-4 में फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। अगर आप ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क या सीक्वेंस वर्क कहीं पर भी खराब नहीं हो जाएगा। तो जैसे साड़ी हम पहनते हैं उसी तरह से नीचे की तरफ मुझे हेवी वर्क वाला पोर्शन चाहिए और ऊपर की तरफ प्लेन चाहिए। तो विड्थ में 4 फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं मार्क करूंगी पैंट की टोटल लेंथ। मैं यहाँ लूंगी 37 इंच, वो भी विदाउट बेल्ट। बेल्ट हम बाद में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं कट करूंगी, ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप देख रहे हैं वो मैं कट करके निकालूंगी और उस पोर्शन को हम बेल्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसके बाद स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज कोई भी सेम मेजरमेंट्स कॉपी कर सकते हैं आप। आपके हिसाब से आप बाद में टाइट या लूज कर सकते हैं। जहाँ पर फोल्डेड साइड आता है वहाँ पर मैं टेप रख के 14 इंच मार्क करूँगी। अब इसके बाद मैं मार्क करूंगी क्रॉस एरिया। तो ऊपर से मैं लूंगी 13 इंच। तो यहाँ पर मैं जनरली मार्क कर रही हूँ। ये लूज सर्कुलर प्लाजो पैंट है, तो किसी भी साइज वाले इसे आसानी से पहन सकते हैं। अगर आपको थोड़ी फिट सर्कुलर प्लाजो पैंट चाहिए तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम उस पॉइंट से 2.5 इंच हॉरिजॉन्टली मार्क करेंगे इस तरह से, और वहाँ से एक राउंडेड शेप ऊपर की तरफ दे देंगे। यहाँ पर हमें बस हल्का सा एक राउंड शेप देना है। अगर आप राउंड शेप ज़्यादा डीप लेंगे तो आपकी क्रॉस एरिया खींची हुई जैसी आ जाएगी, तो इसके वजह से हमें बस हल्का सा एक घुमाव देना है। अब इस पॉइंट को नीचे की तरफ एक स्लैंट लाइन देते हुए हम मिलाएंगे इस तरह से। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये मैंने कट कर लिया है, और मार्किंग देते समय मैंने यहाँ पिंस लगाए थे ताकि हमारी मार्किंग ठीक से आ जाए। अब मैं उन सारे पिंस को निकालूंगी। अगर आप जॉर्जेट का या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप पिंस लगा के मार्किंग कीजिए, तो इसके वजह से आपका कोई भी मार्किंग खराब नहीं हो जाएगा और आप अच्छे से कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब जैसे मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर मार्क किया था, सेम चीज़ हम लाइनिंग पे भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से यहाँ तक एक स्टिच करेंगे
और अगर नीचे की तरफ आपके पास बॉर्डर्स नहीं है तो आप उसे भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नीचे की तरफ बॉर्डर्स है तो नीचे की तरफ स्टिचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और ऊपर की तरफ मैंने ऑलरेडी स्टिच कर दिया है। अब इस फैब्रिक को मैं सेंटर में से पकड़ूंगी और इस तरह से फोल्ड कर लूंगी तो ये कुछ बैंड शेप जैसे आ जाएगा। ये जो बैक और फ्रंट में स्टिचिंग वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप स्टिच कीजिए। तो इन दोनों को मैंने साथ में रख के इस तरह से स्टिचिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्टिच कर दिया है। तो सारे स्टिचिंग हम रॉन्ग साइड के ऊपर ही करेंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे तो फ्लिप करने के बाद इसका जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। याद रखिए हमें सारे स्टिचिंग रॉन्ग साइड में ही करना है। सारे स्टिचिंग होने के बाद फ्लिप करने से हमारा राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैंने लाइनिंग पैंट पे भी सेम स्टिचिंग कर दिया है। तो इसका एक पाँव मैं मेन फैब्रिक के अंदर डाल दूंगी और दूसरा पाँव मेन फैब्रिक के दूसरे पाँव के अंदर डाल दूंगी इस तरह से। तो इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ ही होना चाहिए और इन दोनों को साथ में मिलाते हुए ऊपर की तरफ हम एक स्टिचिंग देंगे। यहाँ पर स्टिचिंग करने से पहले हम इसे अच्छे से पिन से सिक्योर करेंगे और बाद में एक सिलाई देंगे। तो पिन्स लगा के स्टिच करने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अगर आप स्टिचिंग में प्रोफेशनल है तो आप डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं कास करके पिन्स लगा के स्टिच करना ही प्रिफर करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने स्टिचिंग दे दिया है। अब हम अटैच करेंगे बेल्ट। जितना हमारा लेफ्ट ओवर फैब्रिक लाइनिंग में और मेन फैब्रिक में बचा था उन दोनों को हम साथ में रखेंगे और उसको एज अ बेल्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके साड़ी का फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ साड़ी का फैब्रिक था जॉर्जेट तो मैं यहाँ लाइनिंग भी अटैच करूँगी बेल्ट के लिए ताकि बेल्ट का जो लुक है वो अच्छे से आ जाए। इन दोनों फैब्रिक को साथ में रखते हुए इस तरह से मैं रखूँगी और बस कॉर्नर में स्टिचिंग दूँगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। बस हमें अंदर की तरफ इलास्टिक लगाने के लिए जगह छोड़ना है और साइड में हमें बिल्कुल सिलाई देनी है। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। अगर आप इलास्टिक लगाना प्रिफर नहीं करेंगे तो आप डोरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इलास्टिक की लेंथ ली है 27 इंच। आपकी जितनी भी कमर है उससे आप 5 इंच या 4 इंच कम ले सकते हैं। तो मेरी कमर की लेंथ थी 32, तो मैंने 5 इंच कम लिया है। तो कुल मिला के मैंने 27 इंच की इलास्टिक ली है। अब हम इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से इस बेल्ट के अंदर डाल देंगे और इसके जो एंड्स आते हैं उसे हम स्टिच करेंगे। तो इसके ऊपर हम 5 से 6 स्टिचिंग देंगे। तो इलास्टिक के एंड्स में मैंने 5 या 6 बार स्टिच किया है ताकि इसके जो एंड्स है वो टाइट और सिक्योर हो जाए। अब इस इलास्टिक में जहाँ पर गैदर्स आते हैं उसे हम सारे बेल्ट में इक्वली स्प्रेड करेंगे। अब हमें इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में स्टिच करना है और स्टिच करते समय हमें इलास्टिक को हल्का सा खींच के स्टिच करना है ताकि इसके गैदर्स अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा सर्कुलर प्लाजो पैंट तैयार हो गया। अगर आपके पास हेवी वर्क वाली साड़ी है और आप बिना डिज़ाइन कट किए एक सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाना चाहते हैं तो आप ये मेथड ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये इसका फाइनल लुक है। सेम साड़ी से मैंने एक पेपलम कुर्ती और दुपट्टा भी बनाया है सेम पैंट के लिए। तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर मैंने पोस्ट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कीजिएगा। ऐसे ही मैं आगे भी बहुत सारे नए वीडियोस के साथ आऊंगी तो मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा।
अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।